बात पूछूं? हाँ लाडो, पूछना। मेरा भाई आने वाला है या बहन? क्यों बेटा, ऐसे क्यों पूछ रही है? अगर भाई आया तो ये सिपाही दूंगी, और अगर बहन तो ये गुड़िया। तू भी ना लाडो। रज्जो। हाँ बापू। कैसी है माँ तुम्हारी? अम्मा तो ठीक है अब। और हमारी अम्मा कैसी है? तुम्हारी अम्मा तो ठीक है, हमको तो इसकी अम्मा की चिंता हो रही है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, हमारी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। हमारे जमाने में तो बच्चा जन्ना बहुत ही मुश्किल था। ना अस्पताल, ना डॉक्टर, ना दवाई दर्पण, यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए सड़क भी नहीं थी। अम्मा, वो तुम्हारे जमाने की बात थी, अभी जमाना सब बदल गया अम्मा। अरे कुछ ना बदला बेटा, गड्ढे ना देखे तूने अभी तक सड़क के? क्या गड्ढे, तुम भी ना। कितना धूल जमा हो गया पता है रज्जो? बचपन में अम्मा बताती थी कि अगर पुरानी चीजों को संभाल के ना रखो ना तो चीजें खराब हो जाती हैं, नहीं अम्मा? ये लो, टूट गए। तो ये भी तो बताया था अम्मा ने कि मिट्टी के बर्तन को रुई में लपेट के रखो। रुई लपेट के रखा होता तो नहीं टूटता ना। रज्जू बेटा, ये क्या कर रही है? अम्मा तुम ना ये रुई लपेट कर रखा करो। क्यों? बाबू को चोट नहीं लगेगी। ठीक है मेरी प्यारी रज्जो, अपनी अम्मा का कितना ख्याल रखती है। नहीं नहीं माँ जी, हमारी तरह कोई पैसे का जरूरत नहीं पड़ता। अम्मा के लिए। ये मेरे बाबू के लिए। अरे भाभी आप तो जानती है ना बच्चा जन्ना कितना मुश्किल है, और हमारा गांव इतना दूर है, समय पे ना कोई डॉक्टर आता है ना कोई नर्स आती है, एम्बुलेंस तक समय पे नहीं आती है, और जब तक इंसान अस्पताल पहुंचे ना तब तक तो राम राम राम। ये चला मेरा प्लेन और ये पहुंच गई मैं दिल्ली। ये लो अम्मा, ये तुम्हारे लिए। इसका क्या करूंगी मैं रज्जो? चाची बता रही थी अस्पताल बहुत दूर है ना, तो तुम इसी में बैठ के चली जाना। यो यो यो। साहब नमस्ते। साहब मुझे एक घंटे के लिए गाड़ी मिलेगी क्या आपकी? साहब मुझे मेरी बीबी को अस्पताल लेके जाना। हेलो साहब, साहब उसे दर्द। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? मामा कुछ करते तुम परेशान मत हो, मामा बता। एम्बुलेंस किसने बुलाया? मैंने बुलाई है, चाची के घर से फोन करके। बुलाया बेटा? शुक्र है समय पे आ गई।
मुट्ठी में सारे रंग होंगे उड़ने के नए ढंग होंगे को अस्पताल तक तो ले आए लेकिन इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? सब हो जाएगा अम्मा, चिंता मत करो। मेरे काम का तो बस यही है, आप इसे अपने पास रखिए और आप वहां बैठिए, हम आपको भी बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, अब रजू की अम्मा कैसी है? ऑपरेशन तो हो गया रजू, मुझे तो अब दोनों लगेंगे। सच? सिपाही भी आया है और गुड़िया रानी भी। देखो जी गुट्टा आ गया और साथ में आई है गुड़िया। घर का आंगन महक उठा है खुशियों की बन कर ये पुड़िया। हम तो बस इतना ही चाहे। दोस्तों, रावत भाटा की रज्जो का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये किस्सा वास्तव में एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा लिखी गई इस कहानी में स्वस्थ भारत की पटकथा से जुड़े ऐसे सैकड़ों और भी किस्से समाहित हैं। CSR के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह से निःशुल्क रूप से अपना अमूल्य योगदान देकर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लोगों की तकलीफों में शरीक होकर उन्हें दूर करके एक नया अध्याय लिखने की कोशिश में जी जान से जुटा है, ताकि स्वस्थ परिवार और खुशहाल समाज की यह परिकल्पना साकार हो सके। हमारी यह कोशिश आगे भी जारी रहेगी, तो आइए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की इस मुहिम में आप भी जुड़िए। धन्यवाद।
Thank you.